नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी देंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसे 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। इस दौरान पीएम मोदी किसानों के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्र को भी संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। ये 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देंगे और करीब आज 12:30 बजे इस पूरे आयोजन की शुरुआत होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के खातों में 2,000 रुपए की किस्त भेजेंगे, साथ ही साथ किसानों से बातचीत भी कर सकते हैं और देश को भी संबोधित कर सकते हैं। संसद में मॉनसून सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष दोनों सदनों में लगातार हंगामा कर रहा है, जिस वजह से कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है। विपक्षी सदस्य कथित पेगासस जासूसी कांड और कृषि कानूनों के मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अब आखिरी हफ्ते की कार्रवाई शुरू होने से पहले आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने संसद के मॉनसून सत्र की समय सीमा बढ़ाकर जासूसी मामले पर चर्चा की मांग की है। मनोज झा ने कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेगासस जासूसी मामले पर संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। व्यर्थ गए समय के बदले अब संसद के मॉनसून सत्र का विस्तार किया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य झा ने इस बात के लिए भी सरकार की आलोचना की है कि वो बार बार जोर देकर ये कह रही है कि विपक्षी दलों के साथ संवाद कायम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जेब में हाथ डालकर चेहरे पर कठोर भाव बनाकर कहें कि हमारे पास देने को बस यही है, कुछ और नहीं। संवाद कायम करने की आड़ में वे वार्ता के लिए दरवाजे बंद कर रहे हैं। मैंने कई बार ये कहा है कि संवाद बनाने की जिम्मेदारी जिन तथाकथित लोगों को दी गई है, संभवतः उनके पास किसी तरह की ठोस पेशकश देने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष पर संसद न चलने देने का आरोप लगाया था। रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि हंगामे के कारण संसद न चलने से अब तक 130 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन जानकारी ऐसी मिल रही है कि मॉनसून सत्र आगे बढ़ सकता है। अपनी जितनी उसकी समय सीमा है उसके लिहाज से उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि पिछले 3 हफ्ते से लगातार विपक्ष पेगासस जासूसी विवाद, किसानों के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा का 4 दिवसीय मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है आज से। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह ने रविवार को बताया कि सत्र के लिए विधानसभा में एंट्री के लिए कोविड रोधी टीका लगवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सत्र में कुल 4 बैठकें होंगी और 12 अगस्त को ये सत्र समाप्त भी हो जाएगा। विधानसभा सचिवालय को विधायक से कुल 1,184 प्रश्न और 236 ध्यानाकर्षण नोटिस प्राप्त हुए हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सत्र के सुचारू संचालन के लिए रविवार दोपहर को सर्वदलीय बैठक की, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ और संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा शामिल थे। मध्य प्रदेश में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 7,91,950 हो गई है। प्रदेश में शनिवार को किसी भी व्यक्ति की कोरोना वायरस से मौत की सूचना नहीं है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 10,514 है। राज्य में कोरोना वायरस के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 156 है। तो आज से मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। मध्य प्रदेश में कोविड टीका लगवाना लेकिन अनिवार्य होगा सभी सांसदों के लिए, सभी विधायकों के लिए। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज से सभी साप्ताहिक बाजार फिर से खुल रहे हैं।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर को देखते हुए पूरी दिल्ली के बाजारों को बंद कर दिया गया था। अब कोरोना के दैनिक मामले में आई गिरावट को देखते हुए अनलॉक की विभिन्न प्रक्रिया के दौरान सभी बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खोलने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सोमवार से साप्ताहिक बाजार दिल्ली में खुल रहे हैं। सरकार गरीब लोग और उनकी रोजी रोटी के लिए काफी चिंतित है। हालांकि सभी का स्वास्थ्य और उनका जीवन भी महत्वपूर्ण है। मैं सभी लोगों से बाजार खुलने के बाद कोविड के नियमों का पालन करने का आग्रह करता हूँ। दिल्ली में लंबे समय से के बाद साप्ताहिक बाजार खुलने वाले हैं और लंबे समय से इसकी चर्चा हो रही थी। इससे पहले एक जोन में एक साप्ताहिक बाजार 50% वेंडर्स के साथ खोलने की अनुमति दी। दिल्ली में कोरोना के मामले में आई कमी के बाद 2 हफ्ते पहले ही मेट्रो को 100% कैपेसिटी के साथ चलने की अनुमति दी गई थी। इससे पहले मेट्रो में भी 50% कैपेसिटी के साथ चलने की इजाजत थी। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया में 50% क्षमता के साथ सिनेमा थिएटर को भी खोलने की इजाजत दी गई थी। और एक बार फिर से आज से दिल्ली के सभी साप्ताहिक बाजार खुलने जा रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन जरूर करना होगा। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को भले ही सीएम पद गंवाना पड़ा है, लेकिन सूबे की राजनीति में उनका रसूख अब भी लगातार बरकरार है। यही वजह है कि सीएम पद से हटने और किसी भी आधिकारिक पद पर ना होने के बावजूद भी उन्हें वो सारी सुविधाएं मिलती रहेंगी जो एक राज्य कैबिनेट मंत्री को कर्नाटक में मिलती है। राज्य कैबिनेट मंत्री को मिलने वाली सुविधाएं और उनके लिए जिस प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाता है वो सीएम येदियुरप्पा के लिए बड़ा दिया गया है। कर्नाटक सरकार की तरफ से जारी एक आदेश के जरिए इस बात की जानकारी दी गई है कि येदियुरप्पा का रसूख जो है वो बरकरार रहेगा। जो सुविधाएं उन्हें पहले मिलती थी वो सुविधाएं उन्हें जरूर दी जाएंगी। बता दें कि 26 जुलाई को बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा तब हुआ जब कर्नाटक की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे हुए। अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि उन्हें कर्नाटक के लोगों के लिए काफी काम करना है, हम सभी को मेहनत के साथ काम करना चाहिए। भावुक हुए बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो हमेशा अग्नि परीक्षा से गुजरे हैं और आगे भी लगातार वो काम करते रहेंगे। तो राज्य कैबिनेट मंत्री वाली सुविधाएं उनके लिए आगे भी लगातार जारी रहेगी और ऐसा पहली बार होगा। तो 26 जुलाई को येदियुरप्पा मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो सुविधाएं हैं वो बरकरार रखी गई हैं और जब तक वो इन सुविधाओं का लाभ लेना चाहते हैं तब तक इन सुविधाओं का लाभ वो ले सकते हैं। और ऐसा पहली बार है और पहली बार किसी के साथ हो रहा है, वरना बिना किसी पद पर रहने के बावजूद भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। दिल्ली हाई कोर्ट में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम उनके बेटे कार्ति चिदंबरम से संबंधित आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई करेगा। सीबीआई ने निचली अदालत के 5 मार्च 2021 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें एजेंसी को आरोपियों और उनके वकील को माल खाने में रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण करने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया। याचिका सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष सूचीबद्ध की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम और उनके बेटे से जुड़े मामले में मुकदमे की कार्रवाई पर 18 मई को रोक लगा दी थी। इसने सीबीआई की याचिका पर चिदंबरम, कार्ति और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। जांच एजेंसी ने आदेश में की गई टिप्पणियों को खारिज करने का भी अनुरोध किया है, जिसमें कहा गया है कि एजेंसी को जांच के दौरान अपने एकत्र किए गए सभी दस्तावेजों को अदालत में दाखिल करना या पेश करना आवश्यक है। निचली अदालत ने यह भी कहा था कि आरोपी संबंधित दस्तावेजों या निरीक्षण संबंधी प्रति प्राप्त करने के भी हकदार है, भले ही सीबीआई ने उन्हें आधार बनाया हो या नहीं। सीबीआई ने 15 मई 2017 को मामला दर्ज किया था, जिसमें चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान 2007 में एनेक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश पाने के लिए दी गई विदेश निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की मंजूरी में अनियमितता का आरोप था। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन का मामला भी दर्ज किया था। तो एनेक्स मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी है। केरल में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाई पाबंदियों के कारण पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए वार्षिक हिंदू अनुष्ठान बलि तर्पण रविवार को घर पर ही किया गया। अथॉरिटीज ने कोविड-19 संबंधी पाबंदियों के उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी जारी की थी, जिसके चलते रविवार को केरल में एर्नाकुलम जिले की पेरियर नदी के किनारे
अलुवा, शिवरात्रि, मणिपुरम और त्रिवल्लम परशुराम मंदिर समेत कई स्थान वीरान रहे, जहां आमतौर पर लोग बलि तर्पण के नाम के लिए उमड़ते थे। केरल में बीजेपी ने वाम मोर्चा सरकार से श्रद्धालुओं को वार्षिक हिंदू अनुष्ठान में भाग लेने के लिए लॉकडाउन पाबंदियों से छूट देने का आग्रह किया था। भले ही राज्य सरकार ने हाल में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील दी थी और दुकानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को हफ्ते में 6 दिन खोलने की अनुमति दी, लेकिन उसने रविवार को पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया था। राज्य में त्रावणकोर क्षेत्र में प्रमुख मंदिरों का प्रबंधन करने वाले टीडीबी ने कोरोना वायरस फैलने का हवाला देते हुए इस साल मंदिर में बलि तर्पण न करने का हाल ही में फैसला किया था। हिंदू मान्यता के अनुसार कार्तिक वायु के दिन इस अनुष्ठान को करने से दिवंगत आत्माओं को मोक्ष मिलता है। पिछले साल भी कोविड-19 पाबंदियों के कारण मंदिरों में यह अनुष्ठान नहीं किया जा सका था, तो लॉकडाउन के कारण घरों पर ही हुआ बलि तर्पण और मंदिरों में बलि तर्पण आयोजन नहीं किया गया। कोरोना वायरस के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह एक और मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की आदिशक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास होगा। मंदिर के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी करेंगे। सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से देवी पार्वती के मंदिर निर्माण का शुभारंभ आज से यानी कि अमान श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे है। यहां से लहराते हुए सागर का नजारा बहुत ही सुंदर लगता है। इसे और दिलकश बनाने के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया गया है। यहां टहलते हुए पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर के दिव्य वातावरण और निसर्ग की गोद का आनंद एक साथ उठा सकते हैं। मंदिर के घंटों की गूंज और सागर की गरज एक साथ सुन सकते हैं। एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार विध्वंस देखने के बाद आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ था। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई और 1 दिसंबर 1955 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। हालांकि मंदिर 1962 में पूरा हुआ था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। 21 करोड़ की लागत से पार्वती का यह मंदिर बनकर तैयार होगा। कोविड के चलते देर से ही सही मगर देशभक्ति बजट के तहत तिरंगा लगाने की घोषणा को सरकार ने जमीन पर उतारने की शुरू कर दी है। आजादी के 75वें साल यानी कि आगामी 15 अगस्त से पहले 5 विधानसभाओं में 100-100 फुट ऊंचे पोल पर तिरंगा लहराया। जिन 5 विधानसभा में इसे लगाने की शुरुआत की जाएगी उसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नई दिल्ली, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का परपरगंज के अलावा शकुर बस्ती, कालकजी और द्वारका विधानसभा शामिल है। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसे लगाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग को दी गई है। शकुर बस्ती के रानीबाग इलाके में इसे लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा परपरगंज में एक स्कूल में, द्वारका में दुर्गा रोड में लगाने को लेकर प्रस्ताव है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की एक बैठक भी बुलाई। सरकार चाहती है कि आगामी 15 अगस्त से पहले 5 जगहों पर तिरंगा लगाने का काम पूरा हो जाए। दिल्ली सरकार का देशभक्ति बजट के तहत दिल्ली में 500 जगह पर ऐसे ऊंचे ऊंचे तिरंगे लगाने का प्रावधान है। इसके लिए सरकार ने अलग से 45 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान भी किया है। वो 500 जगह कौन सी होंगी उसे लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के सर्कल वाइज अधिकारियों को जगह का सर्वे कर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया। ये रिपोर्ट विभाग को सभी सर्कल के अधिकारियों ने सौंप दी है। इसमें बड़े पार्क, बड़े व्यावसायिक परिसर या आवासीय परिसर, बड़े स्कूल या सार्वजनिक स्थलों को इसमें शामिल किया गया है। भारत में अब जल्द ही हाइड्रोजन पर आधारित तकनीक से चलने वाली ट्रेनों की शुरुआत की जा सकती है। इस तकनीक को सबसे पहले जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली करीब 89 किलोमीटर ट्रैक पर विकसित किया जाएगा। अगर ये तकनीक भारत में सफल होती है तो दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जहां ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा। एडीजी प्रो राजीव जैन ने कहा है कि हम जींद और सोनीपत के बीच 89 किलोमीटर ट्रैक पर चलने वाली डेमो ट्रेनों में रेट्रोफिटिंग करेंगे। इसके लिए प्रीब्रिड कॉन्फ्रेंस 17 अगस्त को होगी और हमें उम्मीद है कि 5 अक्टूबर तक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। वहीं रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ
एसके सक्सेना ने कहा है कि हम डीजल जनरेटर को हटा देंगे और एक हाइड्रोजन ईंधन सेल स्थापित करेंगे। इनपुट डीजल से हाइड्रोजन ईंधन में बदला जाएगा। ये ईंधन का सबसे स्वच्छ रूप होगा। अगर हाइड्रोजन सोर्स उत्पन्न होता है तो उसे हरित ऊर्जा भी कहा जा सकता है। तो भारत में जल्द ही हाइड्रोजन से ट्रेन चलने लगेगी। सबसे पहले जींद सोनीपत के लिए प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा। असम के साथ सीमा विवाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 306 पर ईंधन ले जाने वाले ट्रैंकरों सहित वाहनों की आवाजाही बंद होने की वजह से मिजोरम में पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है। इस संकट से निपटने के लिए मिजोरम सरकार ने वाहनों के लिए ईंधन की मात्रा तय कर दी है। मिजोरम के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अंतर्राज्य सीमा विवाद के कारण राज्य को ईंधन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि मिजोरम में असम के रास्ते ईंधन पहुंचता है। मिजोरम सरकार ने सभी फिलिंग स्टेशनों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो किसी वाहन के लिए निर्धारित मात्रा से अधिक पेट्रोल और डीजल नहीं दे। फिलिंग स्टेशन पर जाकर ही वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवा सकते हैं। फिलिंग स्टेशन से कंटेनर या ग्लैन बैरल में ईंधन लेने पर रोक लगाई गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूटर के लिए अधिकतम 3 लीटर और अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर जबकि कार के लिए 10 लीटर ईंधन की लिमिट तय कर दी गई है। वहीं भारी मोटर वाहनों के लिए एक बार में खरीदे जा सकने वाले ईंधन की मात्रा 50 लीटर जबकि मध्यम मोटर वाहनों के लिए 20 लीटर तक लिमिट तय कर दी गई है। तो सीमा विवाद के चलते पेट्रोल डीजल का संकट झेल रहा है मिजोरम। बाइक में 5 तो कार में 10 लीटर की लिमिट तय हो गई है। कोरोना के नए वेरिएंट्स दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। कई अध्ययनों में यहां तक कहा जा रहा है कि ये नए वेरिएंट शरीर में बनी प्रतिरक्षा को आसानी से चकमा दे सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार शरीर की प्रतिरक्षा को और मजबूती देने वाले उपायों पर जोर दे रहे हैं। इसी दिशा में काम करते हुए कई देशों ने लोगों को मिक्स एंड मैच वैक्सीन देने की भी शुरुआत कर दी है। माना यह जा रहा है कि दोनों डोज में अलग अलग आधार पर बनी वैक्सीन देकर प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत किया जा सकता है। भारत ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन के प्रभावों को जानने के लिए अध्ययन किया। इस बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने लोगों के साथ बड़ी कामयाबी साझा की है। ICMR की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि भारत निर्मित कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज को लेकर किए जा रहे अध्ययन में इसके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। वैक्सीन की 2 खुराक में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के टीके देकर प्रतिरक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत किया जा सकता है। तो कोरोना के नए नए वेरिएंट्स को लेकर देश भर के या ये कहें कि दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं और इससे जो इम्यूनिटी सिस्टम है एक व्यक्ति का वो भी कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता जा रहा है और ऐसे में ये वायरस शरीर को आसानी से चकमा दे देते हैं। इस वजह से मिक्स एंड मैच वैक्सीनेशन को लेकर जो चलन है वो भारत में भी चलता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक डोज कोवैक्सीन और एक डोज कोविशील्ड की लगाने की तैयारी शुरू हो रही है। अफगानिस्तान में तालिबान का हमला लगातार जारी है। वहां के नागरिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में किसी अन्य देश से लोग वहां जाने से परहेज कर रहे हैं, लेकिन इस बीच एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। दरअसल भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कुछ जवानों की ओर से अफगानिस्तान में दोबारा से तैनाती के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ITBP के 30 जवानों को झटका देते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि हमें आश्चर्य हो रहा है कि कोई भी वहां इस खतरनाक और संकट भरी स्थिति में वापस जाने का इच्छुक होगा। न्यायमूर्ति राजीव सहाय और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता ITBP जैसे सशस्त्र बलों के कर्मियों के रूप में आवश्यकता के आधार पर भारत में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं, हालांकि उनके पास अफगानिस्तान में तैनात होने का कोई निहित अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ताओं को अगस्त 2020 में अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास में सुरक्षा सहायक के रूप में तैनात किया जाता था और उनका कार्यकाल 2 साल ही अवधि के लिए होना था। हालांकि हमले बढ़ने के बाद 13 जून 2021 को उन्हें भारत वापस भेज दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि अफगानिस्तान में 2 साल के प्रवास के हकदार थे, लेकिन 10 महीने की अवधि के लिए सेवा देने के बाद उन्हें समय से पहले भारत में फिर से तैनात किया गया। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि काबुल में भारतीय दूतावास में आने वाले बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त जवानों की जरूरत है, इसलिए उन्हें वहां जाने दिया जाए। जानकारी के मुताबिक ITBP की अफगानिस्तान में एक यूनिट काबुल में भारतीय दूतावास और कंधार में वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा के लिए तैनात रहती है।
दुनिया भर में कोरोना वायरस के डेल्टा के फैलने के मद्देनजर अमेरिकी नागरिक गीना वेल्च ने कोई जोखिम मोल नहीं लेने का फैसला लिया है और उसने स्वास्थ्य कर्मियों को यह कहकर कोविड-19 की तीसरी बूस्टर खुराक लगवाई कि ये उसकी पहली खुराक है। अमेरिकी सरकार ने बूस्टर खुराक को मंजूरी नहीं दी है। उसका कहना है कि अभी इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि बूस्टर खुराक आवश्यक है, लेकिन अमेरिका में वेल्च की तरह बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश में टीकों की ज्यादा मात्रा होने और पूर्ण टीकाकरण करा चुके लोगों पर नजर नहीं रखने जाने का लाभ उठाते हुए बूस्टर खुराक ले ली है। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही स्नातक छात्रा वेल्च ने कहा है कि वो कोविड-19 संबंधी वैज्ञानिक अध्ययनों पर नजर रखती है और सोशल मीडिया पर कई विषाणु वैज्ञानिकों और महामारी विशेषज्ञों के सोशल मीडिया खातों पर दी गई जानकारी को भी पढ़ती है जिनमें बूस्टर खुराक का समर्थन किया गया है। तो अमेरिका में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का डर लगातार कुछ लोगों को सता रहा है जिसकी वजह से वैक्सीन की वो तीसरी बूस्टर डोज ले रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवा फेनोबाइब्रेट ने कोरोना के संक्रमण का खतरा 70% तक घटा सकता है। ये दावा यूके की बर्मिंघम यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने अपनी हालिया रिसर्च में किया। रिसर्चर्स का दावा है कि इस दवा में मौजूदा फेनोफाइब्रिक एसिड कोविड के संक्रमण को घटाती है। शुरुआती क्लिनिकल ट्रायल में यह साबित भी हुआ है। फेनोफाइब्रिक एक ओरल ड्रग है। इसका इस्तेमाल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। दुनिया भर में यह दवा आसानी से उपलब्ध है और सस्ता भी है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों पर दवा इस्तेमाल करने के लिए दुनिया भर की ज्यादातर ड्रग अथॉरिटी भी मंजूरी दे चुकी है। शोधकर्ता एलिजा विंजिंस का कहना है कि रिसर्च के परिणाम बताते हैं कि फेनोफाइब्रेट में कोरोना के संक्रमण को गंभीर होने से रोकने की क्षमता है। ये वायरस को फैलने से रोकने में भी मदद करती है। शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि सभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे होने के बाद ये दवा उन लोगों को भी दी जा सकेगी जिन्हें वैक्सीन नहीं दी जा सकती, जैसे बच्चे और हाइपर इम्यून डिसऑर्डर से जूझने वाले मरीज। तो ब्रिटिश रिसर्चर ने बड़ा दावा किया है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा कोरोना पर काफी ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। तो ऐसे में अब जानकारी मिल रही है कि ब्रिटिश रिसर्चर अब इस पर दवा बनाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि इस दवा से भी जो संक्रमण का खतरा है उसको कम किया जा सके और बाकी लोगों को ये दी जा सके। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है, पर हर रोज कोरोना के मामले 30 से 35,000 से कम नहीं हो रहे, जो चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा टीके भी लगाए जा चुके हैं और स्वस्थ होने की दर भी 97.36% हो गई है। अभी तक 3,10,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि संक्रमण के मामलों में कोई कमी नहीं देखने को मिल रही है। इसके अलावा पोस्ट कोविड की समस्या एक अलग और गंभीर समस्या बनी हुई है। दरअसल कोरोना से स्वस्थ होने के बाद मरीजों को होने वाली समस्याओं को पोस्ट कोविड कहा जाता है। इसमें मरीजों को कई तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिसमें हार्ट रेट का कम होना भी शामिल है। दिल्ली स्थित एम्स के डॉक्टर संदीप मिश्रा कहते हैं कि जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो समस्या काफी कम होती है। जब हम ठीक होते हैं तब हमारी बॉडी जो रिस्पॉन्स देती है एंटीबॉडी की वजह से उसे कई तरह की समस्या आने लगती है। कई बार इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाता है, हार्ट की नसों में क्लॉट बन सकते हैं, कई बार हार्ट अटैक भी आ सकता है, फेफड़ों की भी समस्या बढ़ जाती है, लेकिन ये सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा छोटी छोटी समस्या भी हो सकती है, जैसे हार्ट रेट कम होना। हार्ट से संबंधित समस्याओं को नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो पोस्ट कोविड में गंभीर समस्या हो सकती है, ऐसे में इसका ध्यान रखना जरूरी है। कोरोना संक्रमण के केसों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। फिलहाल जब आप संक्रमित होते हैं तब आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब आप संक्रमण से उभर कर आगे अपनी बॉडी में एंटीबॉडी बनाते हैं तब इस तरह की बीमारियां आपको हो सकती हैं। और गुड मॉर्निंग इंडिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।